जल्दी चाबी खोल मोतिशम। माँ जी दरवाजा। हाँ जल्दी चाबी खोल दरवाजे। ये ले खुल गया। हट पना मुझे लैट्रीन जाना है। ओ माँ जी ये लैट्रीन का दरवाजा नहीं है। चुप। हेलो जानू, हम जीत गए। हमारा रिक्शा पहले पहुंच गया। कोई बात नहीं जानू, हार जीत तो होती है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके बाय। माँ जी आपका बच्चा क्या है? मेरा बच्चा तो तू है अली इमरान। माँ जी नबील। नहीं नबील का बच्चा नहीं है पुत्र, तू मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है। माँ जी छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, आपका बेबी कहाँ है? मुझे क्या पता। आप कहीं उसे वॉशरूम में तो नहीं छोड़ाई? भाई मैं उसे वॉशरूम में लेकर गई थी। अभी तो आप बोल के गई थी कि आप वॉशरूम जा रही हैं। हाँ तो मैं गई थी ना, बच्चे ने कौन सा शेव बनानी थी वहाँ। तो फिर बच्चा कहाँ है? भाई मुझे क्या पता, शायद महमूद साहब लेके आ रहे होंगे, मैं पता करता हूँ। हेलो महमूद साहब, बच्चा आपके पास है ना? हाँ भाई मेरे ही पास है, तुम फिक्र मत करो। अच्छा खुदा हाफिज। माँ जी बच्चा महमूद साहब के पास ही है। शवशे। माँ जी चाय तो बना ले यार, है ना ये चीज। माँ जी ये टैक्सी वालों को भी आज ही हड़ताल करनी थी, मेरी तो कमर में दर्द शुरू हो गया है। लो भाई संभालो अपनी बच्ची को। थैंक यू महमूद साहब। थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। ये बच्ची माँ पे क्यों चली गई है? तो तुम क्या चाह रही थी, बाप पे जाती? अरे मेरा मतलब है ये बच्ची माँ जी पे क्यों चली गई है? क्यों, ये क्या कुछ भूल गई है? महमूद साहब इसकी शक्ल बिल्कुल माँ जी जैसी है। अरे तुम फिक्र नहीं करो, कुछ दिनों में शक्ल बदल जाएगी। क्या माँ जी की प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं? अरे नहीं मैं इस बच्ची की शक्ल की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बच्ची की सर्जरी नहीं करवाऊंगी, ये भी बहुत छोटी है। अरे यार मेरा मतलब है कि बच्चे पैदा होने के कुछ दिनों के बाद शक्ल बदल लेते हैं। किससे? ओह अंदर चलो यार। माँ जी ये ले माँ जी मिठाई खाएं। मिठाई किधर है? अरे जो आपके मुंह में है ये मिठाई तो है। इतनी खट्टी मिठाई? माँ जी वो एक्चुअली ना ईद पर रखी थी, हो सकता सड़ गई हो। क्या हुआ माँ जी? उल्टी आ रही है। माँ जी फिर से? वो देखें महमूद साहब और खूबसूरत भी आ गए। अरे अकेले के लिए मिठाई खा रहे हो? अरे महमूद साहब आप खाली हाथ क्यों आ गए? अरे मेरे पास मिठाई खरीदने के पैसे नहीं थे। यार मैं मिठाई की नहीं बच्चे की बात कर रहा हूँ। बच्चा खरीदने के? अरे बच्चा कहाँ है? अरे बच्चा तो ये रहा खूबसूरत के पास। ये बच्चा नहीं बच्ची है। हाँ हाँ वही बच्ची। यार महमूद साहब आपका बच्चा कहाँ है? अरे वो तो मोमो के पास था। कौन मोमो? मोमो तुम्हारा नाम है यार। लेकिन मेरे पास तो बच्चा नहीं है। महमूद साहब आपने कहा था यार फोन पे कि बच्चा आपके पास है। हाँ तो ये बच्चा मेरे पास था ना। बच्चा नहीं बच्ची। हाँ हाँ वही बच्ची। महमूद साहब कहीं बच्चा आप रिक्शे में तो नहीं भूला है? अरे यार लेकर तो आए हैं बच्चा, ये रहा। ये रही वो ही। अरे आपका बच्चा कहाँ है? अरे मुझे क्या पता यार मोमो के पास होगा। ओ माँ जी कहीं आप तो नहीं रिक्शे में भूला है? मेरा बच्चा तो ये रहा। माँ जी ये लड़की है, आपके यहाँ लड़का हुआ था। मेरे यहाँ 30 साल पहले लड़का हुआ है, उसका नाम नबील। हाँ उसका नाम नबील था। ओ माँ जी नबील मेरा नाम है। देखा अब तो यकीन आ गया ना कि मेरी ये लड़की थी जुबैदा। खूबसूरत? हाँ मेरी लड़की बहुत खूबसूरत थी। माँ जी आप भूल गई हैं। और मैं अपना बच्चा कैसे भूल सकती हूँ, ये मेरी बेटी है। ओ माँ जी डॉक्टर ने बताया था आपका बेटा है और मेरी बेटी है। रिपोर्ट गलत भी हो सकती है मगर एक माँ की आंखें कभी वो नहीं खा सकती। हाँ वो क्या? वही जो मुझे ये दे रहा था, गुलाब जामुन। हाँ एक माँ की आंखें कभी गुलाब जामुन नहीं खा सकती शुमेला। धोखा? हाँ धोखे। मेरी बेटी इधर दे तू। माँ जी नबील। माँ जी मोमो। माँ जी माँ जी माँ जी दरवाजा।
दरवाजा खोले, आप मुझसे मेरी बेटी नहीं छीन सकती। जानो माँ जी खेल कर वापस कर देंगी। नबील मेरी बेटी को खिलौना है, मुझे अपनी बेटी चाहिए अभी इसी वक्त। माँ जी यार वापस करें, ये आपकी बच्ची नहीं हमारी बच्ची है यार। चुपा। मैं महमूद साहब। यार महमूद साहब सोच क्या रहे हैं यार, माँ जी को समझाएं, वो उनकी बेटी नहीं है हमारी बेटी है। अरे तुम्हारी बेटी हो या हमारी, बच्चे तो दो ही हुए थे ना। हाँ तो फिर दूसरा बच्चा कहाँ है? लेकिन हमारा तो एक ही बच्चा हुआ था यार। बच्ची। अरे तो मेरे वाला कहाँ है? इसका मतलब है आपका बच्चा लापता है क्या? हाँ महमूद साहब। कहीं किडनैप तो नहीं हो गया? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा किडनैप हो गया नबील, मेरा बच्चा किडनैप। महमूद साहब प्लीज यार इस तरह ना रोए, हौसला रखें हौसला। यार अगर बच्चा किडनैप हुआ होता तो अब तक किडनैपर्स का फोन आ चुका होता। हाँ यार ये भी है। इसका मतलब है कि बच्चा गुम हो गया है। हाँ रील तुम फौरन भट्ट साहब को फोन करो। अच्छा मैं भट्ट साहब को फोन करता हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हेलो सलाम अलैकुम भट्ट साहब, मैं बोल रहा हूँ बुलबुले का प्रोड्यूसर। बोलो। यार भट्ट साहब मेरी माँ जी का बच्चा गुम हो गया है। नबील गुम हो गया? नबील तो मैं हूँ भट्ट साहब। तो तुम गुम हो गए हो? अच्छा किया जो तुमने मुझे फोन कर लिया। फिक्र मत करो, परेशान ना होना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। तो यार भट्ट साहब महमूद साहब और माँ जी के यहाँ बेटा हुआ है और मेरे यहाँ बेटी। क्या? हाँ। और भाई बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और मेरी मिठाई किधर है? मिठाई भी मिल जाएगी भट्ट साहब, पहले महमूद साहब का बच्चा तो मिल जाए, वो खो गया है। कहाँ खो गया है? यही तो नहीं पता। अरे तो फिर ढूंढेंगे कैसे? मुझे लगता है रिक्शे में रह गया है। बच्चा रिक्शे में हुआ था क्या? ओहो हम रिक्शे में वापस आए थे भट्ट साहब। रिक्शे का नंबर क्या था? रिक्शे का नंबर तो मुझे याद नहीं है भट्ट साहब। हाँ इतना याद है कि रिक्शे वाले की मूछें थी बड़ी बड़ी। बस इतना ही काफी है, तुम बेफिक्र हो जाओ बच्चा मिल जाएगा। थैंक यू भट्ट साहब। क्या हुआ नबील? भट्ट साहब ने फोन रख दिया। तुम अभी तक रो रही हो? कैसे बाप हो तुम नबील, अपनी बेटी के रोने की आवाज नहीं आ रही तुम्हें? अरे तुम इसकी बेटी नहीं हो। हाँ बेटी बराबर जरूर हो। महमूद साहब मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ, वो अंदर कमरे में रो रही है। जरूर मोमो ने उसे छोटे कपड़े पहनने पे डांटा होगा। नबील उसे भूख लग रही होगी यार। महमूद साहब कुछ करे यार। अरे यार नबील तुम्हें गलत फहमी हो रही है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे उसे बाहर लेकर आए। मोमो भाई बाहर आ जाओ। ओ यार माँ जी को नहीं हमारी बच्ची को बाहर लेके आए यार। वो जिसे बाहर लेकर आना है वो तुम्हारी बच्ची है? हाँ जी। अच्छा जी। मोमो मोमो जानू हौसला रखो, जानू हौसला नहीं जानू प्लीज। आपकी आवाज कहाँ से आ रही है? दरवाजा तो बंद है। खिड़की से आ रही है। आप खिड़की से बोल रहे हैं? अरे बोल तो मैं मुंह से रहा हूँ। तो फिर खिड़की से आवाज क्यों आ रही है? अरे मैं इधर खिड़की में खड़ा हूँ यार। हाय तो आप उधर क्यों खड़े हैं शबीर? अरे दरवाजा खोलो यार। लेकिन यहाँ तो कोई दरवाजा ही नहीं है। मोमो प्लीज मुझे तो अंदर आने दो, मुझे बाहर क्यों बंद किया हुआ है? झूठ मत बोले, आप तो खुले हुए। अरे मोमो देखो जिद नहीं करो, ये नबील और खूबसूरत की बेटी है, उन्हें वापस कर दो। ये मेरी बेटी है खालद। महमूद। महमूद की नहीं है, मेरी बेटी है। अरे तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारी बेटी है? इसका नाक बिल्कुल मेरे जैसा है और आंखें भी, और आपने देखा नहीं कितनी खुश है मेरे पास। अरे कहाँ खुश है, बच्ची तो रो रही है। हाँ तो पूरे 9 महीने बाद अपनी माँ से मिली है, तो क्या अब रोएगी भी नहीं? नबील मेरी बच्ची। हौसला करो जानू। महमूद साहब मैं आपकी बीवी पर पुलिस केस करवाऊंगा, अगवा का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। यार तू यहाँ क्या बैठे बैठे कर रहे हो, जॉब करवाओ। अरे भट्ट साहब आप बहुत बहुत मुबारक हो नबील, भट्ट साहब बच्चा मिल गया। ए, आओ अंदर बताता हूँ। भट्ट साहब बच्चा मिल गया।
अरे बच्चा भी मिल जाएगा, मैंने तो 15-20 रक्षे वाले उल्टे लटका दिए थे थाने में। अच्छा फिर? फिर क्या, वो अपने अपने बच्चे लेकर आ गए कि ये रख ले और हमें छोड़ दे। लेकिन वो सारे बच्चे 6-7 साल की उम्र के थे। लेकिन भट साहब ये भी तो हो सकता है कि उनमें महमूद साहब का बच्चा भी हो। अरे मेरा बच्चा इतना बड़ा कैसे हो सकता है नबील? क्यों नहीं हो सकता महमूद साहब, आपने फिल्मों में देखा नहीं है जिन बच्चों के माँ बाप बिछड़ जाते हैं वो कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। उड़ा लो मेरा मजाक जितना चाहे, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा ना। अरे महमूद साहब प्लीज यार, आप तो सादा बर्दाश्त नहीं होते, ऊपर से रो रहे हैं आप। आई एम सॉरी यार। अरे ये सब छोड़ो, अपनी बेटी की मिठाई तो खिलाओ। क्या खाक मिठाई खिलाएं, हमारी बच्ची भी तो हमें नहीं मिल रही। क्या वो भी खो गई है? नहीं, उसे माँ जी उठा कर ले गई है। कहाँ? कमरे में, और कमरा भी लॉक कर लिया उन्होंने। क्यों? वो समझती है कि वो बच्ची उनकी है। यार ये क्या कंफ्यूजन है, मुझे नहीं पता भट साहब, आप पहले मेरा बच्चा ढूंढ रहे। और नहीं भाई, जो बच्ची घर में है पहले उसका फैसला हो जाए, बाकी सारे काम बाद में। माँ जी कहाँ है? माँ जी इधर है। सोचा बेटा नहीं तो गद्दर आ जाएगा। हाँ माँ जी। ओए ओए, मैंने तुझे कहा था ना सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आ गया ना? माँ जी मैं गब्बर नहीं, मैं तो आपका टब्बर हूँ, बादशाह बुलबुले वाला। तो यहाँ क्यों आयो है? माँ जी मैं ये बच्ची लेने आया हूँ। इस मासूम ने कौन सा जुर्म किया है इंस्पेक्टर साहब? माँ जी कोई जुर्म नहीं किया, ये आपकी बेटी नहीं है। चुप, ये मेरी बेटी है। हाँ क्या सबूत है आपके पास? और सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि ये भी लड़की और मैं भी लड़की हूँ। ये मेरा और हनूद का बच्चा है। कौन हनूद? मेरा मियाँ और कौन? लेकिन आपके मियाँ का नाम तो महमूद है। हाँ तो फिर महमूद का होगा। माँ जी ये तो बड़ी कंफ्यूजन है, ये काम करते हैं बच्चे का DNA टेस्ट करवा लेते हैं। खबरदार मैं इतनी छोटी बच्ची को ना स्कूल नहीं भेजूंगी। लेकिन माँ जी। चल चुप कर, दफा हो जा चल। भाई वो बच्ची नहीं दे रही। नहीं। हाँ वो नहीं दे रही। नबील मुझे बच्ची चाहिए, मुझे बच्ची चाहिए। जानू इतनी जल्दी दूसरी? नबील मुझे पहली बच्ची चाहिए। आप रोए मत, रोते तो बुजदिल हैं। रो नहीं तो और क्या करूं? आप क्या जाने माँ का दुख, मेरी बच्ची छीन ली गई है, मैं अपनी जान दे दूंगी। बट साहब मैं बच्ची लेकर आऊंगा नबील, मैं उसकी माँ की आंख में आंसू नहीं देख सकता, मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे क्यों तोड़ेंगे भट साहब, इतना महंगा दरवाजा है। और मैं नया लगवा दूंगा। भट साहब फिर मेरे बाथरूम का दरवाजा भी तोड़ दे, वो भी खराब हो गया है। अब बकवास बंद कर, मैं ये दरवाजा तोड़ के ही रहूंगा। अरे यार हमने आपको ये स्टंट दिखाने के लिए नहीं बुलाया था, दूसरा बच्चा ढूंढे। मैं ये बच्ची पहले बाजियाब करवाऊंगा फिर दूसरा बच्चा ढूंढूंगा। भट साहब अरे पकड़, मेरा ख्याल है दूसरा बच्चे ढूंढ लेते पहले। मैंने तो पहले ही कहा था। हैं? मुझे अपनी बेटी चाहिए नबील। भाई नहीं, पहले मेरा बेटा ढूंढे आप। पहले मेरी बेटी। अरे तुम रोना बंद करो, तुम्हारी बेटी तो घर पे ही है। यार भट साहब एक काम करते हैं, पहले ना महमूद साहब का बच्चा ढूंढ दें यार। नबील जानू देखो, अगर महमूद साहब का बच्चा मिल गया ना तो हमारी बच्ची आसानी से मिल जाएगी यार। हाँ ये ठीक है नबील। चलें जी, मसला तो हल हो गया ना। हाँ और अब तो मिठाई खिला दो यार। महमूद साहब मुझे नहीं लग रहा भट साहब जो है वो बगैर मिठाई खाए बच्चा ढूंढेंगे, आप लेके आए यार। अरे मैं बच्चा कहाँ से लाऊं यार? अरे मिठाई लेकर आए यार। बच्चे के लिए? अरे नहीं भाई, भट साहब के लिए यार। वो जो भट साहब के लिए लेके आनी है वो मिठाई है। और क्या, पिटाई है? अच्छा हाँ जी। अब ले आए। काफी छोटी है। अरे 2-3 दिन की बच्ची है, छोटी होगी ना। और मैं गुलाब जामुन की बात कर रहा हूँ। अरे यार आप और खा लें, मगर खुदा के लिए मेरे बच्चे का पता करें। अच्छा ये बताओ कि आपको 100% यकीन है कि 2 ही बच्चे हुए थे? नहीं मेरा तो 1 ही हुआ था। और मेरा भी, हम दोनों के मिलाकर 2 हुए थे। अच्छा आपने बच्चे पहली बार कब देखे थे? मैं कुछ 5-6 साल का होऊंगा या शायद उससे भी छोटा। महमूद साहब भट साहब हमारे बच्चों की बात कर रहे हैं यार। हाँ कहाँ देखा था उन्हें आखिरी बार? अस्पताल में। और पहली बार? अस्पताल में।
जब आप दोनों अस्पताल से निकले थे तो आप दोनों के हाथ में क्या था? बरसा, मेरे हाथ में तो चिप्स का पैकेट था, मुझे याद है। और मेरे हाथ में बच्चा था। तो फिर वो बच्चा तुमसे खोया? अरे, मेरे हाथ में नबील का बच्चा था यार। ये नबील का बच्चा तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा था? हॉकी खेल रहा था। मेरी बेटी को हॉकी खेलनी आती है? अरे तुम तो चुप करो यार। अरे आप बच्चा अस्पताल से लाए भी थे या नहीं? ये तो मोमो को पता होगा। उन्हें बाहर निकालो यार, उनके बगैर सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही। माँ जी को बाहर कैसे निकालें यार? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम दरवाजे पे चलो, मैं बताता हूँ। मामा, मामा! क्या है? अरे हमारा बेटा आ गया। कौन सा बेटा? अरे जो 3 दिन पहले पैदा हुआ था। चुप है, वो तो ये रहा मेरी गोद में। अरे हमारा तो लड़का हुआ था, ये तो लड़की है, ये खूबसूरत की बेटी है। जब भी मैं कहूँ ये मनहूस चुप क्यों नहीं हो रही है? अच्छा आप जल्दी से बाहर आओ, हमारा बेटा तुम्हें बुला रहा है। ना मैं आपकी बात पे कैसे यकीन कर लूँ इश्फाक है? महमूद। हाँ जी, मैं आपकी बात पे कैसे महमूद कर लूँ इश्फाक? अरे हमारा बेटा बाहर है, खुदा के देख लो। पहले मुझे आप उसकी आवाज सुनाए। हाँ अच्छा, फिर एक मिनट रुको। नबील, आवाज निकालो, आवाज। किसकी आवाज निकालो? अरे अपनी आवाज यार। अपनी आवाज तो मैं निकाल रहा हूँ यार। अरे मेरा मतलब है अपनी माँ को आवाज दो यार। अच्छा अच्छा, माँ जी दरवाजा खोले, मैं हूँ आपका बेटा नबील। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। पुत्र तू इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया? हाथ जो खाता हूँ माँ जी। चोर 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 चोर। नैनी आप है, ये मेरी बच्ची है जो रो रही है। नबील से भूख लगी है यार, तो इसे खाना खिलाओ। जानू चल आप नबील। ओके जानू। फखरुद्दीन, वो मेरा बच्चा लेके जा रही है, छोड़ मुझे। वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो उसकी बेटी है। हमारा बच्चा गुम हो गया है। वो इतनी बुरी लग रही हो रोते हुए यार, चुप कर जाओ। जब वो बोल ही नहीं रही तो चुप क्यों करा रहे हो? अरे यार बट साहब, क्या सारी मीठी छींटे उड़ा रहे हैं यार। अरे छोड़ दे इन गुलाब जामुनों का पीछा और मोमो से पूछें जो पूछना है। आप गुलाब जामुन खाएंगी? अरे यार बच्चे का पूछें। आपका बच्चा गुलाब जामुन खाता था? ओ यार ये क्या पूछ रहे हैं बट साहब, इन्वेस्टिगेशन करें ना यार। अच्छा ये बताएं हुआ क्या है? बच्चा हुआ है जी। तो आप कहाँ भूली हैं? मैं भूली नहीं हूँ। हाँ मुझे याद है, मेरा बच्चा हुआ है। हाँ। आप अस्पताल से लाई थी? नहीं, मैंने तो खुद पैदा किया था। मेरा मतलब है आप अस्पताल से बच्चे को घर पर लेकर आई थी? फरीद लाए थे। कौन फरीद? आप। अरे मैं महमूद हूँ यार। वो बच्चा कहीं तूने तो अगवा नहीं कर लिया? अरे मैं अपना बच्चा क्यों अगवा करूँगा भाई। मुझे लगता है कि या तो आपका बच्चा अस्पताल में चोरी हो गया या आप रक्षे में भूल आई। नहीं नहीं। अरे परेशान ना हो, बच्चा बड़ा होके खुद ही मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा बट साहब? अरे बुलबुले का गाना गाइएगा, वो सुनकर खुद ही चला आएगा। हाँ ये ठीक है, चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल, चल बलून बनाते चलता जा। ओ माँ जी बबल, चल बबल चबाते चलता जा। ओ बच्चा हो गया, बच्चा हो गया जी, बच्चा हो गया। ओ माँ जी ये बच्चे की नहीं एम्बुलेंस की आवाज है। अरे हो सकता है यार एम्बुलेंस बच्चा देकर आई हो। देखा मैंने कहा था ना। मुबारक हो महमूद साहब, बहुत मुबारक हो। अरे तुम्हें भी बहुत मुबारक हो नबील। खबरदार जो भागने की कोशिश की, पुलिस ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। अपने अपने हथियार फेंक कर खुद को कानून के हवाले कर दो। ये कौन है बट साहब? मैं देखता हूँ। असली पुलिस आ गई, असली पुलिस आ गई। अरे तो फिर आप कौन है? ओ भाई मैं बुलबुले की पुलिस हूँ, असली पुलिस है। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। खबरदार भागने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे गिरोह को पकड़ा है। गिरोह? ओए तुम्हारे खिलाफ अस्पताल से बच्चा अगवा करने का पर्चा कटा है। क्या? हाँ अस्पताल से तुम किसी और का बच्चा उठा कर लाए हो। महमूद साहब हम किसी और का बच्चा उठा लाए? ओए शाबाशे। अरे तो फिर हमारे बच्चे कहाँ है? ये किसकी कॉल आ गई? कालो सुनो ना। हेलो जी मैं बोल रहा हूँ नबील जी। जी क्या
अच्छा हम आ रहे हैं। महमूद साहब हमारे बच्चे हॉस्पिटल में हैं, हम वही छोड़ आए थे। चल पुत्र अस्पताल चले। हाँ आओ चलो लेने चलते हैं। चलो 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 देखे चलो महमूद साहब को ले जाएगी। चलो मुझे बच्चे लेने जा रहे हैं। चलो 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 चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है।